नशे के खर्च और जुए में हारी हुई रकम की उधारी चुकाने के लिए एक युवक ने अपने सगे भाई के ही घर हाथ साफ कर दिया। तकरीबन हफ्ते भर पहले जब घर में कोई नहीं था तो इस शातिर भाई ने मौका देखकर घर से करीब 2.5 लाख के जेवरात चोरी कर लिए। घर से हुई इस चोरी से परेशान पीड़ित भाई ने जब अपने स्तर से पड़ताल शुरू की तो उसने अपने सगे भाई पर ही चोरी का अंदेशा हुआ, लिहाजा कोतवाली में उसने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जब आरोपी युवक को पकड़ा तो चोरी का खुलासा हो गया। आरोपी के पास से करीब 2 लाख रुपयों का चोरी किया गया माल और 8,000 नकदी बरामद हुई। बताते चलें कि नगर कोतवाली के मखदूमपुर में रहने वाले आनंद वर्मा तकरीबन एक हफ्ते पहले किसी काम से घर से बाहर गए थे। घर में उनके छोटे भाई रोहित वर्मा के सिवा कोई नहीं था। वह जब वापस आए तो घर से सोने की चैन, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, लॉकेट, पायल समेत तमाम कीमती जेवरात गायब मिले। घर में हुई इस चोरी से आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में केवल उसका भाई रोहित ही था। उसका शक रोहित पर जा रहा था लेकिन सगा भाई होने के चलते वह झिझक भी रहा था, लिहाजा उसने अपने स्तर से पड़ताल शुरू की तो उसका शक सही निकला। आखिरकार आनंद के नगर कोतवाली में अपने सगे भाई रोहित के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। आज सुबह पुलिस ने रोहित को नाका सत्रिक से गिरफ्तार कर लिया। रोहित के पास से पुलिस ने चोरी का करीब 2.25 लाख रुपए कीमती माल और 8,000 रुपए नकदी बरामद की। आरोपी रोहित ने बताया कि नशे के खर्च के लिए उसने जुए से हारी हुई रकम की उधारी चुकाने के लिए चोरी की थी, उस और वह भी अपने सगे भाई के यहाँ। ठिकाना नहीं सूझा, लिहाजा जब घर में कोई नहीं था तो उसने चोरी कर ली। पहले घटना एक सप्ताह करीब आने पहले घटना हुई थी, रिपोर्ट बाद में हुई थी जो कि घर पर नहीं था वो, तो वो ये अभी रोहित जो है अपने सगे भाई घर में उसके नामौजूदगी का फायदा उठाते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरी कर लिया था और सारे गहने वगैरह चोरी कर लिए थे। पुलिस को रिपोर्ट हुई और चौकी इंचार्ज ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और इनसे पूछताछ कर राज्य से पूछताछ किया, पकड़ा इनको तो सारा माल इन्होंने रिकवरी करा दिया। ये भी बहुत अच्छा काम हुआ। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को जो ब्लाइंड होते हैं वर्कआउट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो इससे बाकी बदमाशों पर अच्छा मैसेज